नमस्ते दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि वक्त प्रतिपल बदलता रहता है और उसके साथ साथ उसके मायने भी बदल जाते हैं। आज मैं मौसम शर्मा आप सबके सामने वक्त का बदलाव कविता लेकर आई हूँ। 2020 के आने से हम सब ने खुशी मनाई थी, आगे क्या होने वाला यह बात कहाँ समझ में आई थी। जैसे जैसे महीने बीते बेहाल हुआ सारा संसार, प्रतिपल विनती करे सब मिलकर, कब बीतेगा यह कोरोना काल, कब बीतेगा यह कोरोना काल। लेकिन यारों सही सोच से संभव सब हो जाता है, अच्छे मार्गदर्शक हो तो जीवन परम धाम बन जाता है, जीवन परम धाम बन जाता है। यही वह साल है जिसने कम आमदनी में जीना सिखा दिया, हम सब के जीवन में नई ऊर्जा और कला का समावेश भर दिया, नई ऊर्जा और कला का समावेश भर दिया। क्यों देखे क्या खोया हमने, क्यों सोचे यह हो सकता था, चलो मिलकर विचार करें किन किन गुणों का संचार हुआ, किन किन गुणों का संचार। हाँ माना कि देख परिस्थितियों को हम भी घबराए थे, लेकिन सीखे के प्यार की वजह से मिलजुल कर आगे बढ़ पाए थे, मिलजुल कर आगे बढ़ पाए थे। देखो यारों कोरोना काल ने दिए हमें अद्भुत कलाकार, जो कभी हमारा सपना था वो पूरा कर पाए इस बार, वो पूरा कर पाए इस बार। हाँ माना कि लुप्त हो गई जादू की झप्पी प्यारी सी मुस्कान, लेकिन तुम फिक्र ना करो हम मिलेंगे बार बार, हम मिलेंगे बार बार। निराशा के बादल छट जाएंगे, निराशा के बादल छट जाएंगे, हम सब के सपने होंगे साकार। उस रब की मेहर और एक दूजे के साथ से हर मुश्किल होगी आसान, हर मुश्किल होगी आसान। 2020 हम सब के लिए अभिशाप नहीं वरदान रहा, जिसने वर्चुअल शिक्षा के जरिए हमारे अंदर के छिपे कलाकार से मिलवा दिया, हमारे अंदर छिपे कलाकार से मिलवा दिया। हाँ माना कि 2020 के बदलाव अभी समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे ही बीतेगा यह कोरोना काल, इस साल के बदलावों को बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अपनी कविता को विराम देने से पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि वक्त चाहे जैसा भी हो बीत ही जाता है, अगर हमें जरूरत है तो एक दूसरे की हिम्मत बनकर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की। जय हिंद, जय भारत।